नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टस्क्यू एक्स एक्सपेक्टोरेंट। 100 ml औषधीय एक्सपेक्टोरेंट्स के वर्ग में आती है, जो मुख्य रूप से खांसी का इलाज करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें बलगम होती है। खांसी सूखी या उत्पादक को शरीर का एक तरीका माना जाता है, जिससे श्वास मार्ग को खांसने के रासायनिक तत्वों जैसे कि एलर्जन, बलगम या धूम्रपान से साफ किया जा सकता है और संक्रमण से बचा जा सकता है। खांसी के दो प्रकार होते हैं, जैसे सूखी खांसी और छाती की खांसी। एक सूखी खांसी टिकली होती है और कोई जिल्द या गाढ़ा बलगम उत्पन्न नहीं होता है, जबकि एक छाती की खांसी गीली खांसी का अर्थ होता है कि खांसने से मल या बलगम उत्पन्न होता है, जो आपके श्वास मार्ग को साफ करने में मदद करता है। टस्क्यू एक्स एक्सपेक्टोरेंट तीन दवाओं का संयोजन है, यानी एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक एजेंट, ग्वाइफेनिसिन एक्सपेक्टोरेंट और टर्बुटालिन ब्रोंकोडायलेटर। अब देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक एजेंट्स खांसी बलगम पतला करने वाले के वर्ग में आता है, जो फेफड़ों, हवा नली और नाक में बलगम म्यूक्स को पतला और ढीला करके काम करते हैं। ग्वाइफेनिसिन एक्सपेक्टोरेंट के वर्ग में आता है, जो हवा नलियों में तरल की मात्रा को बढ़ाता है, बलगम की चिपचिपाहट को कम करता है और इसे हवा नलियों से हटाता है। टर्बुटालिन ब्रोंकोडायलेटर्स के वर्ग में आता है, जो मांसपेशियों को शांत करता है और हवा नलियों को फैलाता है, इस तरह यह सांस लेना आसान बनाता है। दोस्तों, टस्क्यू एक्स एक्सपेक्टोरेंट को निर्देशित रूप से लें। आपके डॉक्टर आपकी चिकित्सा स्थिति के आधार पर टस्क्यू एक्स एक्सपेक्टोरेंट को कितनी बार लेने का सुझाव देंगे। कुछ लोग कमरा, उल्टी, अधिक नींद, सिरदर्द, चक्कर, त्वचा की खुजली, घबराहट, कंपन, पेट में अफसोस और तेज दिल की धड़कन जैसे लक्षण महसूस कर सकते हैं। इसके अधिकांश दुष्प्रभाव अवश्य चिकित्सा ध्यान और समय के साथ स्वतः ठीक हो जाते हैं। यदि आप इस दवा या किसी अन्य दवाओं के प्रति एलर्जी हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से सूचित करें। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो टस्क्यू एक्स एक्सपेक्टोरेंट का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करना सलाह दी जाती है। बच्चों में यह दवा का सख्त सावधानी से उपयोग करें, यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया हो। यदि आप फिट हैं या फिट का इतिहास है, तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें, क्योंकि यह पुनरावृत्ति फिट्स का जोखिम बढ़ा सकता है। यदि आपको मधुमेह है, तो इसे लेते समय नियमित रूप से रक्त शर्करा स्तर का मॉनिटरिंग करना सिफारिश किया जाता है। यदि आपको मधुमेह, फिट्स, उच्च रक्तचाप, अत्यधिक थायराइड, पेट के घाव, फेनाइलकेटोन्यूरिया, शरीर में एक एमिनो एसिड फेनाइलालानाइन का संचय होने का एक जन्मजात विकलांगता, किडनी, लीवर या हृदय समस्याएं हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें।